शिवानी जी हमारे साथ हैं, एक बार शिवानी जी के पास जा रही हूँ, बताइए। मैं एक बार शिवानी जी के पास जा रही हूँ। शिवानी जी, आपने सुना किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, किस तरह की बातें कही जा रही हैं। मैंने अजय जी से ये कहा है कि वो नहीं जलाएंगे तो उनके नाम का एक मैं जला लूंगी दिया। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश इस जंग को जीत सकता है, इस लड़ाई को जीत सकता है, इसका आह्वान करना है। हम एक दूसरे के ऊपर सवाल, कोई भी सवाल उठाएं, लेकिन ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है ना शिवानी जी, कि हमें दूसरों की मदद करनी है, हमारे आसपास जो लोग हैं हमें उन्हें जोड़कर रखना है। इसके लिए हमें एक आह्वान की जरूरत नहीं है, ये निरंतर है। आपको सिर्फ छोटी सी एक बात बताती हूँ। जी, जब से ये कोविड हुआ है, एक महीने से इंडियन साइकाइट्रिक एसोसिएशन ने बताया है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज 20% बढ़ चुके हैं, 20% इंक्रीज इन मेंटल हेल्थ इश्यूज इन द कंट्री। तो जब हम सब कुछ का ध्यान रख रहे हैं ना, तो साथ में सबके मन का भी ध्यान रखना है। एक क्षण के लिए अपने घर में आइए, अगर हमारे घर में कोई बात आती है तो हम धन से भी काम कर सकते हैं, तन से भी काम करते हैं। हम सब मिलकर 5 मिनट सिर्फ रोज प्रे जरूर करते हैं, क्योंकि उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए इकट्ठे मिलकर प्रे करना बहुत जरूरी होता है। जब हम घर में प्रे करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दुआ करते हैं, हम नहीं कहते कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, हम कहते हैं ये बहुत जरूरी है, जिससे सबका मन ठीक रहेगा, मनोबल बढ़ेगा। सही। तो अगर एक परिवार में हम कर सकते हैं तो क्या पूरा देश एक परिवार नहीं है इस टाइम? अगर देश के बड़ों ने कहा कि चलो मिलकर इकट्ठे दुआ करते हैं, अकेले अकेले तो कर रहे थे, मिलकर करते हैं, तो कहीं किसी कोने में आज अगर किसी का मन उदास होगा, अशांत होगा, परेशान होगा, तो हम सबके मिलके जो दुआ होगी ना, वो उसके मन तक पहुंचेगी। और हम सबकी शक्ति जब उस तक पहुंचेगी तो उसका मन शक्तिशाली हो जाएगा। संकल्प यहां नहीं रहते हैं, संकल्प वाइब्रेट करके वातावरण में जाते हैं। यहां हाथ में दिया नहीं सोचिए, सिर्फ मन में सोचिए कि हम सिर्फ इकट्ठे मिलकर 9 मिनट के लिए प्रे कर रहे हैं बस, जिससे सबके मन को शक्ति मिले, सबके तन को शक्ति मिले। और इस समय आई एम सॉरी लेकिन मैं यही कहूंगी कि इस समय हमें लड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये करने से भी हम अपने वातावरण को दूषित कर रहे हैं, हमारी एनर्जी डाउन जा रही है इन शब्दों से। इस समय हर शब्द हाई एनर्जी होना चाहिए, संकल्प वाणी कर्म हाई एनर्जी होना चाहिए, ये हमारी सबसे प्रथम जिम्मेवारी है। भोजन खिलाना, इलाज करना, धन देना, वो सब जिम्मेवारी है, लेकिन सबसे प्रथम जिम्मेवारी श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ कर्म। अगर हम आज से ये प्रतिज्ञा कर लें कि जब तक हम इस कोरोना को हराते नहीं हैं, हमारी हर सोच, शब्द और कर्म हाई एनर्जी, तो हम सब अपना सहयोग दे रहे हैं इस जंग में, इसको जीतने के लिए ये हमारा सहयोग है। आप शिवानी जी इतनी खूबसूरती से बात रखती हैं कि दूसरा व्यक्ति सामने सुनने वाला निशब्द हो जाता है। मुझे लगता है ना अजय जी के पास, ना तौसीफ के पास कोई ऐसी बात होगी जो वो कह सके, जो आपकी बात को सही ना आगे करार दे, क्योंकि जिस तरह से इस जंग को, इस लड़ाई को आगे ले जाना है, पूर्णतः समझाने का एक तरीका होता है, इसमें शामिल रहना है। मेरे साथ
मेरे साथ समझाने का एक तरीका होता है सुचारिता, इन्होंने इन्होंने जिस लहजे में समझाया, जिस तरीके से समझाया, इट इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। इंसान सुनने में मजबूर हो जाता है कि क्या कह रही हैं और क्यों कह रही हैं। और उन्होंने ये कहा कि प्रार्थना करिए, दुआ करिए, अगर दिया नहीं जलाना है तो आप अपने तरीके से दुआ करिए। सो यू हैव, आप समझिए इस बात को कि अलग अलग एंगल से आप बहुत कुछ कर सकती हैं। कि आप घर में मिलकर प्रार्थना करते हैं, पूरा परिवार प्रार्थना करता है, फिर वो चाहे भगवान के आगे दिया जलाना हो या नमाज अदा करना हो, वो परिवार पूरा एक कर सकता है। तो आज तो देश एक पूरा परिवार है, और एक संकट की घड़ी में जब हम अपना सर झुकाते हैं तो आज भी तो हम वही कर रहे हैं, बतौर एक परिवार एक साथ खड़े होकर एक साथ जुट रहे हैं। मैं हमारे साथ सिंगर शिवानी कश्यप जुड़ गए हैं, और मैं शिवानी जी से बोलूंगी। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है मोदी जी को शिवानी जी के पास जाके कुछ लेसन लेना चाहिए कि कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए लोगों को। बिल्कुल, तो समझी शिवानी, सुचारिता मैं कह रहा हूँ कि शिवानी जी के पास मोदी जी को जाना चाहिए और कुछ क्लासेस देना चाहिए कि जब वो पब्लिक को एड्रेस करें और जब वो हिंदुस्तान को एड्रेस करें तो शिवानी जी की तरह बात करें, तो शायद मेरे जैसे लोग सुन सकें उनकी बात और उनकी बातें मान सकें।